क्या आपको पथरी हुई है कभी, या जिसको हुई है उसने बताया कि कितना दर्द होता है? जान निकाल देता है पथरी का दर्द, पर एक पौधा है जो पथरी गायब कर देगा, न पथरी रहेगी और न इसका दर्द। इसका नाम है पत्थरचट्टा। हमारे आसपास ऐसे कई पौधे हैं जो कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, ये पत्थर चट्टा ऐसा ही है। इसके पत्ते बड़े फायदे वाले हैं, चूर्ण बनाकर या पानी के साथ चबाकर खा सकते हैं। कैसे यूज करने हैं ये आपको बीकानेर के आयुर्वेदिक डॉक्टर मनीष गहलोत बता रहे हैं। इसके अंदर हम बात करते हैं पत्थर चट्टा, सबसे पहले उसका नाम है जो वर्जिनिया लिंगुलाटा। वैसे तो उसके बहुत सारे कार्य हैं, मैं आपको ब्रीफ में इसको समझाऊंगा कि एक मिनट के अंदर क्या बता सकता है। और साथ ही साथ क्या करता है कि ये ज्यादा फेमस क्या मूत्र है, मतलब कि भाई इसको पेशाब का हमारा मूत्र पक्ष के अंदर इसको उपयोग किए। और साथ ही साथ आपके अस्मरी है, तो अस्मरी किसी अस्मरी का मतलब हो गया स्ट्रॉन्जिनल स्ट्रॉन्ग, उसको क्या है कि तोड़ना या फिर निकालना उसमें बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसका नाम ही क्या अस्मरी है। अस्मरी मतलब क्या है कि पहाड़ों में जो पत्थर होते हैं उनको तोड़ के बाहर, जो पहाड़ों की चट्टानें होती है दरारें होती है वहां से बाहर निकलना। और ये जो मुख्य रूप से देखा जाता है तो हिमालय जो है उसके अंदर वहां पे 7 से 10 हज़ार फीट की जो ऊंचाई होती है वहां पे पाया जाता है। और उसके साथ साथ ये हमारे क्या रहता है कि अपने गुल्म के अंदर कार्य करता है, ठीक है, अन्य रोग में कार्य करता है, प्रमेह के अंदर कार्य करता है, अर्श के अंदर कार्य करता है, ऐसे अनेकों कार्य रक्तपित्त में कार्य करता है। तो वो सब में हम इसको किस तरह से खा सकते हैं? देखो, अगर इसका उपयोग करना चाहते हैं तो हम इसका जो चूर्ण के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, तो उसमें क्या है 3 से 6 ग्राम इसका चूर्ण ले सकते हैं। और क्वाथ में अगर लेना होता है इसका, तो क्वाथ के अंदर हम जो इसका रहता है 30 से 50 ml तक इसका जो क्वाथ है वो ग्राइंड कर सकते हैं। और बाकी बहुत सी मेडिसिन के अंदर जो हम स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेते हैं उसके अंदर ये कम मात्रा के अंदर जो भी इसकी एक अप्रोप्रिएट मात्रा रहती है उसमें डाला हुआ रहता है उसको उपयोग कर सकते हैं। देखा जाता है सर डॉक्टर साहब के अब लोग घरों में भी इस पत्थर चट्टे उगाने लगे हैं, तो ये यहाँ भी सक्सेस है उगाने के लिए? आज अभी का वातावरण हो रहा है कि भाई उसमें कुछ लोग ऐसे मिट्टी के अनुकूल वो मिट्टी होती है उनके पास पास, या फिर क्या रहता है कि आजकल जो भी प्लांट्स रहते हैं हम अगर नर्सरी में जाके देखेंगे तो बहुत से प्लांट्स जो हम देखेंगे हिमालय या फिर साउथ में वो हर जगह उगने लगे। जैसे अगर उसके अगर हम बात करते हैं कि भाई इसको जनरली घर में उगाता है उसको कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि ऐसे प्लांट बहुत सारे हैं भाई पत्थर चट्टा ही है। एक तो क्या उसका जो पत्ता होता है बहुत मोटा है, गदे टाइप का होता है, ठीक है, जो पत्ते पे रहेगी कांटेनुमा धारियां होती है इसके किनारों में चारों तरफ देखोगे, ठीक है। उसके साथ साथ क्या रहता है कि ऊपर की तरफ से इसका जो पत्ता देखेंगे वो थोड़ा ग्रीनिश रहता है, ठीक है, नीचे से जो देखेंगे थोड़ा गुलाबी सफेद सा रहता है। और बाकी अब इसको घर में लेने का होता है तो वैसे तो देखो कोई भी आयुर्वेद औषध होती है वो हमेशा आयुर्वेद डॉक्टर से पूछ के लें, लेकिन फिर भी आप कोई जानकारी रूप में बताना चाहेंगे तो भाई इसका क्वाथ ना कि एक पत्ता है उसको एक पत्ता हमने पानी के अंदर डाला 2 ग्लास पानी उसको उबाला जब आधा गिलास हो जाए तो उसको छान के पी सकते। बीकानेर में लोग घरों में भी ये पौधा लगा रहे हैं। पथरी तो आपको पता ही है कि आम बीमारी है, पथरी के लिए एलोपैथी में भी इलाज है, लेकिन अगर कुछ पत्ते खाकर ऑपरेशन से बच जाएंगे तो इससे अच्छा और क्या ही होगा। पत्थर चट्टे का दूसरा फायदा यह है कि खून भी साफ करता है, यानी आपको और भी इसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे। सवाल यह है कि ऐसे पौधे तो आपने हर जगह देखे होंगे, लेकिन आप इसे पहचानेंगे कैसे कि ये पत्थर चट्टा ही है? पत्थर चट्टा पहाड़ी पौधा है, कई बार चट्टानों के कोने पे मिल जाएगा। हिमालय में ज्यादा उगता है क्योंकि ज्यादा पानी की इसको जरूरत नहीं होती। हाँ, जो लोग पानी कम पीते हैं उनकी देखभाल ये पत्ता पूरी तरह कर सकता है, क्योंकि इसका नाम है पत्थर चट्टा। हालांकि अगर आप भी पत्थर चट्टे का उपयोग कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें कि डॉक्टर से जरूर पूछ लें, ताकि आपको गलत पौधा हाथ ना लग जाए और आप इसको गलत तरीके से ना खाएं, ताकि आप किसी बीमारी से बच जाएं। ये बीमारी से बचाने के लिए, बीमारी बढ़ाने के लिए। बीकानेर से निखिल स्वामी की रिपोर्ट। लोकल 18 के ऐसे ही फायदे और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप क्लिक कर दीजिए प्लेलिस्ट पे, प्लेलिस्ट हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।